में आप आपकी सलामती चाहता हूँ मैं आपका भाई सेमुएल आज बड़े दुख के साथ और रंजीदा होकर यह आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे लोग दिन ब दिन नफरत की आग का ईंधन बनते जा रहे हैं इनका कोई पसान हाल नहीं है कोई इनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं है कोई भी उनको हाथ देकर उस आग में से खींचने वाला नहीं है क्योंकि लीडरशिप सो रही है मजबी लीडरशिप उनके हक में बात करने को तैयार नहीं एम पी एस एम एन ए खौफ में है सरेआम उनके वो धमकियां दी जा रही हैं सलीब जलाए जा रहे हैं बाइबल मुकद्दस को जलाया जा रहा है सलीब की बेहरमती की जा रही है और कौम को रसवा किया जा रहा है लेकिन मेरे लोग पस्ता हालत में पड़े हुए हैं कोई भी हमारी कौम की आवाज बनने को तैयार नहीं है कभी तो अपने लोगों की भी सोचें स्वीडन की इस मामलात में जो एक मुस्लिम शख्स ने कुरान पाक की बेहरमती की है हमारे सारे में भाई और लीडरशिप निकली बैनर्स लेकर मुख्तल तरीकों से एहतजाज किया अच्छी बात है करना चाहिए लेकिन जो लोग स्वीडन की आड़ में हमारे लोगों को पसपा करते जा रहे हैं उनके भी अभी बोलें उन गरीबों के लिए भी बोलें उस वक्त मुझे पता है आपको डर था कि ये आग हमारे घर तक पहुँचेगी इसलिए आप बैनर लेकर निकले हैं प्लीज़ ऐसे सोए ना रहें एक वक्त आएगा कि आपके ये बैनर भी काम नहीं करेंगे वो गरीबों के घर गर को लगी हुई आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है और आपको बचाने वाला भी नहीं होगा आपके आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा आप रोएंगे अगर आज ना बोले तो मजहबी लीडरशिप सिर्फ इसलिए निकलती है कि वो जी तौर पर महफूज रहें अपने लोगों के लिए बोलें निकलें बात करें ओवरसीज पाकिस्तानी आप बाहर बैठे हैं आपकी सारी तवज अगर यहां पर है और अपनी फैमिली को सेटल करने पर है तो थोड़ा गौर करें आपकी कौम पीछे बैठी है उनके लिए बोलें उनके लिए आवाज बने तरह तरह के जितने भी आपके पास सोर्सेज हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको इस्तेमाल करें अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है तो जो कोई काम कर रहा है उसके साथ मिलकर कुछ आवाज बने बहुत सारा प्लेटफॉर्म है आपके पास सोशल मीडिया के जरिए किसी तरीके से भी अपने लोगों के लिए बोले मेहरबानी कीजिए आपके लोग वहां पर मुंतजर हैं क्योंकि हमारे रियासत सोई हुई है कोई वजीर दाखला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता ये वही वजीरे दाखला हैं जो रोते थे जब इनके खिलाफ फतवे जारी हुए थे एस एन कबाल जब वजीर खारजा थे तो कहता था मुझको गोली लगी तो वो रोता था कि मुझे किसी वक्त भी कोई मार देगा उसी वक्त वजीरे कानून राना सनावला ने अपने जितने भी गार्ड है वो एहत शी और क्रिश्चियन लोगों को प्रेफर करना शुरू किया कि ये मेरी गार्ड में पुलिस वाले हों लेकिन आज सरेआम धमकियां सिंहों को दी जा रही हैं तो कोई नहीं बोल रहा इमरान खान इनके जलसे में क्रॉस की बेहरमती हुई अब वीडियो देखी गई है झंडे लेकर लोगों ने क्रॉस पर पाऊ रखे हैं आप कौन सा सलामी टच दे रहे हैं और मेरे लोग फिर भी आपके साथ खड़े हैं मैं उनको वफादारी का नाम दूं या अपने लोगों के साथ बेवफाई का नाम दूं मुझे नहीं पता लेकिन ऑपोजिशन के होते हुए आप ऐसा बयान दे सकते थे और अपने लोगों को भी मना कर सकते थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे लोग खुद नहीं बोलते हम खुद स्टैंड नहीं लेते गरीब और गुरबा लोग पिसते जा रहे हैं और जितने भी हमारे अशरफिया हैं जितने भी हमारे आला अलादेदार हैं वो खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं उनके सर में जुग तक नहीं रेंग रही सोचने की बात है लम्हा फिक्रिया है और मेरे मुस्लिम भाई साथी इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ये वही मसीह हैं जिन्होंने आपको आज़ादी दिलवाई है ये वही मसीह हैं जिनके वोट से पंजाब बना है ये वही मसीह हैं जिन्होंने आपको एजुकेशन दी है ये वही मसीह हैं जिन्होंने इकबाल को एजुकेशन दी कि वो आज़ाद मुल्क का ख्वाब दे सके और उस ख्वाब को दिखाने वाले मरे कॉलेज सियालकोट के मसीही हैं जिन्होंने आज़ादी का ख्वाब दिखाया और जिन्होंने दिख, बताया कि फ्रीडम क्या है आज़ादी क्या है क्योंकि मसीही जानते हैं कि आज़ादी क्या है उन्होंने उसे सिखाया कि फ्रीडम होता क्या है आपको आज़ादी का ख्वाब दिखाने वाले और आज़ादी दिलवाने वाले मसीही हैं मसीहों पर जुलम न करें गो के मेरी कौम के लीडर्स छो रहे हैं और सोए हुओं को तंग नहीं किया जाता गरीब गुरबा लोगों को तंग नहीं किया जाता आप सब को खुदा बरकत दे और मेरी कौम को खुदा महफूज रखे